केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज जोधपुर में डाक विभाग और रेलवे बोर्ड के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित रोजगार मेले में 93 युवाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और पाली सांसद पीपी चौधरी और राज्यसभा सांसद राजेंद्र गहलोत भी उपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि रोजगार मेले में बीएसएफ, आईटीबीपी, डाक विभाग, रेलवे और एनआईएफ जैसे विभाग शामिल रहे। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम के माध्यम से 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का वादा पूरा कर रहे हैं। हम देश के युवाओं को भारत सरकार में 10 नई नौकरियों से नियुक्ति देकर के अवसर प्रदान करेंगे। उसी क्रम में आज पहला कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति में, चाहे वर्चुअली, उन्होंने देश भर के 50 ऐसे जगह जहां इस तरह के नियुक्ति पत्र वितरण के कार्यक्रम हुए थे वहां संबोधित किया है। और जिस तरह से उन्होंने अपेक्षा की कि नए भारत के निर्माण का जो जिस मार्ग पे भारत चल पड़ा और जो काम हम कर रहे हैं उसमें हम सबको सहयोग करने की आवश्यकता है, आगे बढ़ने की आवश्यकता है। सरकार सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों के अतिरिक्त स्वरोजगार की दिशा में लोग आगे बढ़े, इस दिशा में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अनेक योजनाएं बनी है। रोजगार मेला में नियुक्ति मिली है तो हम बहुत खुश हैं कि देश की सेवा के साथ साथ हमें सीमा पे तैनात जवानों की भी सेवा करने का मौका मिले। सर, जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वादा किया था कि हम युवाओं को 10 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, तो हमारा आज पहली किस्त में हमारा सिलेक्शन हो गया, तो बहुत ही खुशी हो रही है और खुशी का कुछ ठिकाना नहीं हो रहा है। और मैं सभी युवाओं को बधाई देना चाहूंगा कि उनको आज नियुक्ति पत्र मिला। रविराज, और पोस्ट ऑफिस में पोस्ट एबीपी है।